यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिव फोटो यहाँ पर लिखा था। हम यहाँ पर एडिटिव फोटो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरा गैलरी खुलेगा। गैलरी से हम एक फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ और करने के बाद ये देखिए मेरी फोटो क्लिक आ चुकी है। यहाँ पर मैं एडजस्ट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप हम जाएंगे सैचुरेशन में। सैचुरेशन में यहाँ जाने के बाद पूरा कंप्लीट होंगे, पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी हमारी पिक्चर। हमारी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट होने के बाद हम सीधा सिंपल यहाँ क्या करेंगे ऊपर क्लियर कर जाने वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे टूल्स में, तो यहाँ हम जाएंगे ट्रा टूल्स में। यहाँ ट्रा टूल्स क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद हम यहाँ हमारी फोटो खेल जाएगी, जिसमें हम यहाँ कलर जाने के बाद कलर जाने के बाद हम रेड कलर पर क्लिक करते हैं। रेड कलर लेने के बाद हम यहाँ पर उसका ब्रश का साइज देख लेते हैं, ब्रश का साइज हम बढ़ा देते हैं पूरा। तो बढ़ाने के बाद हम यहाँ से कर सकते हैं जैसे कर देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ब्रश से क्लिक करने के बाद हम ट्रांसफर कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे ट्रांसफर। ट्रांसफर करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं इसको हम फोटो पड़ा बड़ा करने के बाद इसको हम साइज के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। साइज के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा हो गया एडजस्ट। यहाँ से हम एडजस्ट कर दिए। एडजस्ट करने के बाद हम कर देंगे सिंपली सेव। तो सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको नीचे लिखा जाएगा, तो इसको हम कर दिए ओवर। यहाँ से फिर हम एक इंटेक ले लेंगे। फिर उसी प्रकार का एंट्री, फिर उसी प्रकार से हमको काम करना है। हम यहाँ पर कलर से चूज करेंगे। कलर चूज करने के बाद हम आसान को चूज करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सिंपल उसी प्रकार से खींचेंगे लाइन। लाइन खींचने के बाद हम फिर उसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के बाद सिंपल आपको कैसे से पता ही फिर ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद जैसे कैब देख सकते हैं उसमें हम ट्रांसफर कर दिए। हम इसको साइज के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं। साइज के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद हम साइज के हिसाब से एडजस्ट कर दिए और एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर इसको भी हम उसी में जाएंगे और फिर जाने के बाद ओवर एड कर देंगे। तो इससे क्या होगा ट्रांसफर हल्का हो जाएगा। फिर इससे फिर जो है वहाँ से फोटो को कर लेते हैं सेव। तो आप देख सकते हैं सिंपली हमारी फोटो सेव हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी फोटो सेव हो गई थी। फिर मेरी आप देख सकते हैं आप यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ से हम जाएंगे कर देंगे सेव। यहाँ पर आप देखिए आगे।